तो अगर प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, बेसिकली इसमें ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर विथ स्पीड √2 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ से अगर मैं एक बॉल फेंकता हूँ और वो हॉरिजेंटली फेंकता हूँ, हॉरिजेंटली मतलब ये √2 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजेंटली फेंकता हूँ, ठीक है ना, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो बेसिकली यहाँ 10 मीटर पहले से दे रखा है, दिस इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो ये कहते हैं कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब हमें रेंज निकालना है, दिस इज़ द आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में हॉरिजेंटल डिस्टेंस, रेंज और हाइट नीचे आने में टाइम सेम लगा होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, एस इज इक्वल टू, जब बिल्डिंग की हाइट दिया है तो इससे मुझे टाइम ऑफ रेंज अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो रेंज हॉरिजेंटल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, ये लॉजिक मेरा चलेगा। तो अगर ये लॉजिक चलेगा तो इसमें तुम्हें ई वी एक्स तो पता है, यहाँ पर इन हॉरिजेंटली फेंका गया है तो वाई एक्सिस में तो वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एक्सिस एक्स एक्सिस में इनिशियल √2 है जो कि कभी चेंज नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं चेंज होता है इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो हमें रेंज दिया हुआ है, रेंज निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है √2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मैं एस इज इक्वल टू यूटी लगा देता हूँ वाई एक्सिस में, क्योंकि मुझे बिल्डिंग की हाइट पता है यार, तो इसको मैं वाई एक्सिस में अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा। तो -10 इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में 0 और हाफ, और जी की वैल्यू है 10 टाइम t का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू देखता हूँ तो टी की वैल्यू भी तो 10 ने 10 को ख़त्म कर दिया, तो टी की वैल्यू √2 सेकेंड आ जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि टी की वैल्यू तो रेंज आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट √2 और हॉरिजेंटल वेलोसिटी √2, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पे जाके गिरा होगा बॉल हॉरिजेंटल से, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, थैंक यू।